का मंजूर कर, शतवान के घर आगी इव तो झोंपड़ी में रह जा और परमात्मा के गुण गाए जा और अंधे सास ससुर की सेवा करे जा। सावित्री ने यह महसूस नहीं होने दिया शतवान को कि मैं बेटी बड़े घराने की हूं। सजनो कुणवे में रड़गी, शतवान रोजाना लकड़ी काटता, बाजार में बैठता, सेवा करता। सावित्री नित्य नेम से पतिव्रता सती वीर का धर्म निभाती हुई अपने घर के कामकाज को करती, सत्यवान की सेवा में हाजिर रहती, अंधे सास ससुर की सेवा करती। अंधे सास ससुर का भी दिल राजी हो गया कि सत्यवान से भी ज्यादा सावित्री सेवा करने लगी। सजनो हिम तो बेटी बेटी कहे जा और वो अंधा अंधी बेटी के गुण गाए जा। यूं करते करते एक साल बीत गया। एक साल के बाद जब सावित्री शतवान से शादी करने का प्रस्ताव रख रही थी तो नारद जी ने सावित्री को पहले ही बता दिया कि ब्याह शादी का योग मिलाना हंसी खेल नहीं बेटी, और जिस ते तू ब्याह रचाना चाहे तेरा उसका मेल नहीं बेटी। अरे तू ब्याह तो कर ले लेकिन तेरा उसका मेल कोनी, क्यों कि तू राजा की बेटी है और वो निर्धन कंगाल भिखारी है। कोई कोई बात नहीं, तेरी उम्र बहुत लंबी है और उसकी उम्र एक साल की, एक साल बाद मर जाएगा, फिर तन्न डांडे ढोने पड़ेंगे, किस बात का पति, कोई और देख ले। लेकिन सावित्री ने कह दिया कि सती वीर दुनिया में एक पति भरिया करे, एक बार शादी करिया करे, मेरा पति सत्यवान रहेगा चाहे कुछ भी हो। इस बात को लेकर के एक साल बीत गया और जब एक साल बीत जाने के बाद नारद जी की बात का ख्याल आया, यूं बोली कि नारद जी ने यूं कहा था कि तेरे पति की उम्र एक साल है, आज एक साल पूरा हो गया, आज इनके साथ बियाबान में चलना चाहिए, आज अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इसको। सजनो एकादशी का व्रत था उस दिन, लेकिन सावित्री ने जल्दी से घर के कामकाज को किया और सत्यवान के साथ बियाबान जंगल में लकड़ी काटने खातर तैयार होगी और लेकर डोरी और कुल्हाड़ आगे आगे होली। सत्यवान समझान लगे और सावित्री जिद करने लगी, दोनों के सवाल जवाब कैसे, आइए सुनते हैं इस रवनी में। आई हल हल हेलो हेलो सावित्री, कहिए पियाजी, आज कहाँ जाने की तैयारी करी है तुमने? आज आपके साथ जाने की तैयारी में। मैं तो रोजाना की तरह बियाबान जंगल में लकड़ी काटने खातर जाऊँ। मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊँगी। मर्द के होते वीर का कमाना शोभा की बात नहीं सावित्री, जानती हूँ पियाजी कि आप ऐसा सोचते हैं। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, मुझे दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं। ये दुनिया वाले ताना रुलाना देंगे कि सत्यवान के खाना कमाना बस की नहीं रहा तो बहू ने भी लकड़ी काटने खातर ले जाए। कोई बात नहीं, एक दिन बहू चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक दिन जाएगी और क्या, जब एक दिन जाएगी तो यूँ समझ रोजाना जिद करेगी। नहीं नहीं, मैं तो आज ही जाना चाहती हूँ। आज आज की बात है, आज आज की बात, आज कोई खास बात है? बिल्कुल खास बात है। क्या खास बात? क्योंकि आज हमारी शादी को एक वर्ष बीत गया है। अच्छा, हाँ फिर तो गिफ्ट में ये दे दीजिए कि मुझे अपने साथ ले चलिए। अच्छा, शादी को एक साल हो गया, साल के रहे बियाबान जंगल में मनावागी? हाँ वही मनाऊंगी। कहना के चावे? ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने साथ ले चलिए। तन्ने समझा दू के अपनी बात, सुने मेरी बात। सुना हो दिखे मैं भी गल्या चालूंगी, हो तो मत रोके भरतार मने। सुन ले मेरी बात, कहिए अपनी बात। तन्ने तो आसानी से कह दिया कि मैं भी गेलिया चालूंगी, आज मत रोके भरतार मने। हाँ लेकिन मेरे दिल से पूछ, क्या कि मर्द के होते तीर कमावे तू कहेगा संसार मने, मर्द के होते तीर कमावे यो तू कहेगा संसार मने। अरे मैं भी गलिया चालूंगी तू मत रोके भरतार मने, के मर्द के होते तीर कमावे यो तू कहेगा संसार मने, मर्द के होते तीर कमावे तू कहेगा संसार मने। Thank you.
मैं भी लकड़ी काटूंगी पिया रह के तेरे साथ के माँ। ये औरत का फर्ज नहीं गणा आज या फर्क बात के माँ। इतनी कमजोर पिया घनी ताकत मेरे गात के माँ। अरे चबर कुल्हाड़ा चबर कुल्हाड़ा उठे नहीं तेरे छाले पे हाथ के माँ। चबर कुल्हाड़ा चले नहीं ओ छाले पे हाथ के माँ। मैं हट्टी कट्टी पड़ी रहूं रे हे रे रे। मैं हट्टी कट्टी पड़ी रहूं रे समझ ली बे मार तने। तगर का सारा सारा काम करे दी सजा झोपड़ी नार तने। कर का सारा काम करे दी सजा झोपड़ी नार तने। तू काटे कुछ मैं काटू जल्दी काम निपट जाता। और टेढ़ी मेढ़ी चले कुल्हाड़ी हाथ पैर तेरा कट जाएगा। अरे आधा लूंगी बाट भरोटा बोझ तेरा कुछ कट जाएगा। अरे ठोकर लागे बोझा नीचे तेरा नरम अंगूठा कट जाएगा। ठोकर लागे जानी के तो रोटी का हिला से रे हे रे 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 रे। अरे तो रोटी का हिला से मेरी से चिंता बेकार तने। और तेरे पे टिकट तेरे पे लकड़ी कटवाऊ इसना चाहिए रोजगार मने। तेरे पे लकड़ी कटवाऊ इसना चाहिए रोजगार मने। बात मान ले फादे में रहेगी नहीं मानूंगी। गर्जी सी मौज कोनिया बाहर। एक बात बताओ पिया जी। हाँ। कि अगर मैं आज आपसे छोटी सी विनती कर रही हूँ कि मुझे अपने साथ ले जाइए तो कोई दिक्कत है? ना दिक्कत तो कोई नहीं है। अगर हम दोनों साथ में कमा लेंगे तो कोई मन ऐसा लगे घर तेरा जीना लगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ना जीना लगे तो मोती ने बुला लिया कर। मोती तो यही खड़ा रहा हमारे घर के सामने ही। हाँ, हंस बतला लिया कर थोड़ी बहुत। पर मोती भी आज सकरात देने जा रहे हैं। कित अपनी बाण के घर। वह तो सकरात देना यार तेरे भी कितने आ रही है। आ रही है कि कहीं ना कहीं तो मेरी भी। मैं ये कह रही हूँ मेरी बात मान लीजिए। तेरी बात तो मान लू लेकिन बात मानने में थोड़ा सा हर्जा है। अच्छा हाँ सुन मेरी बात। कहते अपनी बात सुन ले। जोरदार तालियों के साथ बोलो भूपेंद्र हुड्डा की जय। भूपेंद्र हुड्डा की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय श्री पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। एक बार मेरी सभी से अपील एक बार जोरदार तालियों से हुड्डा साहब का स्वागत है। अब आ रहे हैं हर वर्ष की बात इस वर्ष भी पहले भी जिस दिन भी इसकी नींव रखी गई थी उस दिन से आज तक लगातार हुड्डा साहब यहाँ पहुंच रहे हैं।
भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय हुड्डा साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं भाई, दोनों हाथ उठा करके स्वागत, दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा करके स्वागत।